पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो हरियाणा का जो हथनी कुंड बैराज है वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, और उसकी वजह से जो हथनी कुंड बैराज का पानी अब दिल्ली की यमुना की तरफ छोड़ा गया है, और 3 लाख एक्यूरेस जो पानी है वो छोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं जो यमुना है वो किस तरीके से उफान पर है, और जो खतरे का निशान है वो भी पार कर चुका है। और कहा यह जा रहा है कि अभी आने वाले घंटों में दिल्ली में जो पानी है वो एक विकराल रूप धारण कर लेगा। हम खड़े हैं इस वक्त दिल्ली के गीता कॉलोनी में, जहां पर जो यमुना का निचला इलाका है, और यहां पर हजारों की तादाद में जो झुग्गियां बनी हुई है वहां पर लोग रहते हैं, और यहां पर वो यमुना के किनारे खेती भी करते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? असरफी लाल जी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ सन 11 से रह रहे हैं, और पानी 2-3 साल हर साल ही आता है, बाढ़ कोई साल खाली जाती है ना, हर साल ही जल आ जाता है, और जब साल पिछले साल से आगे ये ज़्यादा कम ना आया है पानी, तो घुसने ही वाला है। 2-3 जगह कट भी चुका है, हमने 16,000 रुपये इसमें लगाए हैं बांध में, वो भी हमने इसी अपनी सुरक्षा के लिए लगाए हैं, सब लोगों ने, किसानों ने। आपने कहा है कि ये जो बांध बनाया गया है इसके आपने पैसे खर्च किए हैं, दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया, ये आपने खर्च किए हैं, सब लोगों ने, किसान लोगों ने, 14 नंबर लोगों ने, 16 सब लोगों ने अपने चंदा इकट्ठे करके लगाया। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा गया है कि जो झुग्गिया वाले जो निचले इलाके हैं उनको खाली करा दिया गया, और लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, और साथ ही साथ कहा गया है कि वो खाने की जो सुविधा है, जो दूसरी सुविधा है, वो भी देने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल पा रही है आप लोगों को? अभी कोई सुविधा कोई नहीं मिली है, जितना नुकसान होता है कोई सुविधा नहीं मिलती है, कभी नहीं मिली है, जितना घाटा होता है हमारे लोगों का होता है, 1 रुपये भी नहीं मिला है। तरीके से पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, और कुछ ही देर में आपके खेतों में घुस जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? हमारा सारी मिर्च खत्म हो जाएंगे, हमारे 3.5 बीघा खेत है, हमारे फसल नष्ट हो जाएगी, मूली है, बैंगन है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, हमारी सारी नष्ट हो जाएगी। हम करीब 9 आदमी परिवार में, और सारी हमारी नष्ट हो जाएगा, हमारा तो हम हर साल मारे जाते हैं जी, हर साल मारे जाते हैं हम तो, इसी चक्कर में हम सन के आ रहे, हमारा तो हमारा परवाड़ा नहीं बैठा है, हम तो घर हमारा खंडर हो चुका है, सुरसेना के रहने वाले हैं हम, सारा खंडर हो गया, बच्चों पे शादी के लिए परेशान तंगी आ गए, हम तो भीख भिखारी से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि जो सरकारें हैं वो कोई सहायता नहीं कर रही है, और जो ये पानी है वो थोड़ी देर में अब जो गीता कॉलोनी का जो निचली इलाका है जहाँ पर खेती भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो ये झुग्गियाँ हैं वो खाली करा दी गई है, और जो लोग हैं वो एक तरफ इकट्ठा है, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने खेतों को बचाया जाए। दिल्ली के यमुना के निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, अब जो जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के गीता कॉलोनी के जो यमुना का जो इलाका है वहाँ पर जो वहाँ की झुग्गियाँ हैं उनको खाली करा लिया गया है। क्या कहेंगे, कब का खाली कराया आपकी झुग्गियों को? परसों, कल और परसों, दो दिन हो गए साफ कराने में, जगह मतलब वहाँ से हटा दिया और वो रोड पर आ गए। वहाँ सरकार किस तरीके से सुविधाएं दे रही है? टेंट वेंट तो लगा रही है, फिर मतलब खाने को अभी कोई व्यवस्था नहीं है, खास करके नहीं है अभी तक तो ही, किसी को टेंट मिले तो, किसी को मिले भी है, किसी को अभी नहीं मिले, और खाना भी आया तो पूरा नहीं आया है, अभी कम ही आएगा। कितने परिवार रहते हैं इस इलाके में आपकी? जो बहुत है लोग, 250 आदमी, कम से कम 250 आदमी। खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने की व्यवस्था, बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कहाँ, जो फसल थी सब्जियां बोते थे वो सब खत्म हो गई, वहीं सब्जी में कोई लाभ नहीं रहा, सब बेकार हो गई सब्जी, अभी पानी अब आने वाला है, नीचे गिरे सब्जी में गिर रहा है सब। आप लोगों को क्या कहा गया था जब आपकी झुग्गियां हटाई गई, तो आपसे क्या कहा गया सरकार? ये कहा गया था कि सब सुविधा मिलेगी आपको, ऊपर पहुँचो वहाँ पर, हम सब चीज़ की सुविधा देंगे आपको, और वहाँ पर ऊपर पहुँचो तुम, सब चीज़ की सुविधा मिलेगी आपको, खाने पाने की, मगर खाने की अभी तो सुविधा कुछ आई नहीं है, खाली टेंट लग गए हैं, और टेंट अब भी लगा रहे हैं कुछ लोग, और अभी खाली और कोई सुविधा नहीं मिली है। तो जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि आपको खाना भी दिया जाएगा रहने के लिए,
झुग्गियां दी जाएगी, वहाँ पर बिजली होगी, क्या वो सब बिजली की तो व्यवस्था है? बिजली दिया गया, बिजली नहीं, पानी है, बिजली है ना, खाने की सुविधा कुछ नहीं है, अभी सब परेशान हो रहा है वहाँ पर, गर्मी में पड़े, गर्मी में सब बच्चे भड़क रहे हैं और कोई सुविधा नहीं है अभी तक। तो इन झुग्गियों वालों का साफ कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।